शायरों की मदद कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत खेल है, बहुत प्यारा है। अगर आप सीरियल देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा शायर जो है वो मेरा असली बेटा नहीं है, उसको मैं लाई थी जब वो 10 साल का था और बहुत गरीब परिवार से है वो, बट जिस तरह से मैं उसको पालती हूँ बड़ा करती हूँ तो माँ से ज़्यादा हूँ, मतलब मैं माँ से ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि माँ तो खैर सबसे बड़ी होती है, तो मैं शायर मेरा बेटा है बस मैं इतना जानती हूँ। मैं जो है हमारी लीड कैरेक्टर जो कर रही हूँ फीमेल उनका है मैं, और वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसके पेरेंट्स नहीं है, एक उसके वो चाचा चाची दादा दादी के परिवार में संयुक्त परिवार में रहती है और उस वो परिवार इतना प्यारा है कि कभी उस परिवार ने उसके माँ बाप की कमी को खमने नहीं लिया, मतलब कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि अरे आज अगर मेरे मम्मी पापा होते तो ये होता, तो बहुत ही प्यारा सा परिवार है शर्मा परिवार जो दिखाया। मैं एक वहाँ मिडिल क्लास लड़की जो जमीन से जुड़ी हुई है, अपने सिद्धांतों से जुड़ी हुई है, परिवार को जोड़ना जानती है, तो वो उसे जिंदगी की महक कह सकते हैं कि अगर हर किसी की जिंदगी में वो चीज़ हो जो महक लड़की में क्वालिटी है तो फिर जिंदगी अपने आप ही महकेगी। खैर मैंने बहुत साल पहले थिएटर करती थी, सीरियल्स करती थी, तब लीड करते थे। पहला सीरियल मेरा दिल्ली का ही था मलाचल, उसमें लीड किया था, बट अब उम्र ऐसी है कि माँ के ही रोल मिलते हैं। और इससे पहले मेरा सीरियल था अगर तुम साथ हो, जिंदगी चल पाता था, उसमें भी मैं लीड की मैं हीरो की मदद करूँ कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत रोल था और जितना उसमें ताम झाम बिल्कुल सिंपल रोल था वहाँ पर। और अभी फिलहाल मेरी फिल्में जो रिलीज हुई थी वो विक्रम भट्ट जी की थी, क्या थी जिसके दो तीन सिक्वल भी बने यार अभी, एक फिल्म कौन सी नहीं वो माली राम आई थी उसमें, उसकी मतलब उसमें हीरोइन की मदर का रोल मैंने किया था। और फिर हमने मिलके हमारे कुछ मित्रों ने मिलके एक फिल्म बनाई थी ट्रिप टू भानगढ़, हॉरर मूवी थी, उसमें अगेन हीरो की मदर का रोल किया था मैंने। हेट स्टोरी फिल्म थी, हेट स्टोरी जो विक्रम भट्ट साहब की बट काम की थी, हेट स्टोरी, हेट स्टोरी पार्ट वन में जो मैं उसमें मैंने हीरोइन की मदर का रोल किया था। और उसके बाद बालाजी की फिल्म की थी कुक्कू माथुर की झंडोगे, वो भी लो बजट की फिल्म थी बट कॉमेडी थी, मज़ा आया था काम करके। सच बताऊँ तो हर चीज़ का अपना अलग रंग है, अब आपको अगर आपको पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है चिकन ज़्यादा अच्छा है दोनों का टेस्ट अलग है। पता ये बहुत बड़ा मिथ है कि सास और बहू जहाँ होंगी वहाँ झगड़ा ही होगा, अगर सास बेटी माने क्योंकि सास आफ्टर अगर मैं सास बनी तो मैं कभी तो बेटी थी है ना, किसी की तो बेटी थी, तो अगर सास ये सोचे कि मेरी जो आई है वो बेटी ही है मेरी बेटी है तो फिर झगड़ा नहीं मतलब खत्म ही हो जाता है, क्योंकि जो भी बच्चा आता है वो माँ ही बोल रहा है ना, अगर मैं कहा कि मेरी माँ बोल रही है तो फिर मैं सास कहाँ से होगी, तो माँ हो गई ना तो वो मेरी बेटी हो गई। तो आई थिंक एक रिलेशन लविंग रिलेशन हो, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि झगड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इनफैक्ट अगर मैं जिस दिन नहीं आती हूँ यहाँ पर मैं मिस करती हूँ, मुझे ये मेरी फैमिली है एंड बिलीव मी शायद मतलब मेरा बेटा जो है रियल लाइफ में सिद्धार्थ वो मुझसे कंप्लेन करता है कि जितना आप शौर्य नाम लेती हैं जितना शौर्य भैया से आप प्यार करते हैं मुझसे उतना नहीं करती हैं आप, रियल लाइफ में ऐसा हो गया कि मेरा बेटा मुझसे कंप्लेन करता है जितना प्यार आप शौर्य भाई से करते उतना मुझसे नहीं करते है, कहीं एक बॉन्डिंग मेरे उसके बीच में बहुत अच्छी हो गई करण के बीच में बहुत अच्छी, तो वो भी उतना ही प्यार मतलब हम लोग सेट पे जब तक एक दूसरे को विश ना कर लें मिलना नहीं तो हमारा दिन शुरू नहीं होता, तो ये इस तरह की बॉन्डिंग है। मैं क्लिक्स विजन का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और साथ में अपने प्रोड्यूसर साहब का भी धन्यवाद देती हूँ कि इस मुकाम पर पहुँचाया कि आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। थैंक यू।